साहस सरोकार। निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज। निषाद पार्टी ने जारी की निकाय चुनाव को लेकर प्रथम सूची। सूची जारी होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह। राहुल गांधी की आज कर्नाटक में दो चुनावी रैली। बीदर जिले के बाल्की और हुमनाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। कल सीबीआई ने केजरीवाल से 9.5 घंटे पूछताछ की थी। शामली में भाजपा नेता ने जहर खाकर किया सुसाइड। टिकट कटने से नाराज थे। औरैया में कोरोना ने दी दस्तक। 13 वर्षीय बच्ची निकली कोरोना पॉजिटिव। मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद आगरा में पुलिस हाई अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार शहर में पुलिस भ्रमण कर रही है। डीसीपी सिटी विकास कुमार पुलिस बल के साथ शहर भ्रमण पर निकले। वहीं मुस्लिम क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। औरैया में एक मोहल्ले की बच्ची जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके चलते कस्बे में हड़कंप मच गया। वहीं मामले में सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर बीपी शाक ने अपने कार्यालय पर बताया कि कस्बे की एक 13 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसे दवाइयां देकर होम क्वारंटीन किया गया है। अधीक्षक ने सभी रोगियों से सीएचसी में मास्क लगाकर आने की बात कही है। साथ ही अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सीएचसी में हो रहे कोरोना जांच अवश्य कराए जाने को कहा है। कि ये 13 साल की बच्ची है, मोहल्ले की 13 साल की बच्ची है, जो आज एंटीजन से पॉजिटिव पाई गई है और उसे क्वारंटाइन घर पर ही कर दिया गया। उसको टोटल ट्रीटमेंट दे दिया गया है और जो भी मरीज हमारे यहाँ आते हैं तो सभी की एंटीजन और आरटीपीसीआर से जांच की जा रही है और सबको ये कह दिया गया प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल का नियम को अपनाएं और भीड़भाड़ एरिया में ज़्यादा भीड़भाड़ एरिया ना जाए ज़्यादा और मास्क लगा कर के अस्पताल में आए और जब जहाँ भीड़ हो भीड़ से बचें और बाकी जो है अपने जीवन अपने उसकी सुरक्षा खुद से अपने परिवार को सुरक्षित करें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित शुक्ला हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। 13 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव निकली है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी जी, मैम आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला बिधुना का है, जहां बिधुना की एसटी में एक 13 वर्षीय बालिका जो कोरोना पॉजिटिव निकली है। वही जैसे ही कोरोना पॉजिटिव की खबर सुनी तो भगदड़ मच गई। उन्होंने तुरंत आनंद सानंद में और औरैया जिले में अभी तक 22 केस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें 2 अभी तक ठीक हुए हैं। जी अमित, 13 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है अस्पतालों में? जी फिलहाल अभी वैक्सीन के बारे में अगर बात करें तो वैक्सीन अभी मुहैया नहीं है यहाँ पे, कोई भी अस्पताल नहीं है, ना ही हैरवा कटरा में भी वैक्सीन आई है और ना ही बिधुना में, लेकिन उसको क्वारंटीन कर दिया गया है। और अभी जहाँ तक बात करें तो अभी फिलहाल उनकी ठीक है। धन्यवाद जी। धन्यवाद अमित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। खबर औरैया जिले की कोतवाली बिधुना से है, जहां कस्बे के भरथना रोड पर तेज रफ्तार बाइक और कार में टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों की भारी भीड़ लग गई। वहीं जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस से दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को मिनी पीजीआई सैफ रेफर कर दिया। डॉक्टर के अनुसार दोनों घायल शराब के नशे में थे। डॉक्टर साहब, बिधुना के भरथना रोड पर बाइक और कार में एक टक्कर हुई है, 2 लोग यहाँ सीएचसी में घायल भी आए हैं, क्या पोजीशन है, कहाँ के हैं और क्या कंडीशन? अभी 108 एम्बुलेंस द्वारा 2 मरीजों को यहाँ चिकित्सालय में लाया गया है। एक है शिववीर, उम्र 28 साल, पुत्र श्री शिव सिंह और निवासी पूर्वा आशा, और दूसरा है श्री गांधी, पुत्र श्री सुरेंद्र
उम्र 22 साल, ये भी निवासी पूर्व आशा। दोनों ही मरीजों के शराब के नशे में पता चल रहा है और इनके प्राथमिक उपचार के बाद इनको RIMS FI के लिए रेफर कर रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। कमरे में साड़ी के फंदे से मृतक का शव झूलता हुआ मिला। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन में जुट गई है। कानपुर नगर में बालाजी मित्र मंडल द्वारा श्री बालाजी महाराज का पंचम वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव गीतांजलि लॉन में बड़े धूमधाम से मनाया गया। उत्सव में बालाजी महाराज, मेहंदीपुर वाले प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा के दिव्य दरबारों को कोलकाता के फूलों द्वारा सजाया गया। प्रभु को 56 भोग और अखंड ज्योति और प्रभु के 36 व्यंजनों का भोग लगाया गया। भक्तों ने दर्शन कर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभु के चरणों में अपनी अर्जी लगाई। उत्सव का शुभारंभ परिवार मंडल परिवार के सदस्यों द्वारा गणेश वंदना से शुरू हुआ। भजन सुनकर धमाल और चंग बजाकर उत्सव में उपस्थित भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रतिवर्ष भगवान श्री बालाजी का जन्मोत्सव मनाती है, इसी क्रम में आज भगवान श्री बालाजी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बाहर के गायक कलाकार श्री चैतन्य जी आएंगे, खानपुर के शास्त्री जाएंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सभी मीडिया कर्मचारी और सभी लोग इतना हर्षोल्लास से प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए अपनी संस्था से बालाजी भक्त मंडल परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए आज बाबा के भोग में 56 भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा। शीश महल का भगवान का दर्शन किया गया है, जो सभी भक्तगण उपस्थित। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में थाना एरवा कटरा में नगर निकाय चुनाव और प्रयागराज की घटना का संज्ञान लेते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कैमरे से नजर रखी जा रही है। मिश्रितावादी वाले स्थानों पर पुलिस भ्रमण कर ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है। वहीं एरवा कटरा क्षेत्र में पुलिस काफी सतर्क दिखी। इस संबंध में पुलिस ने पैदल मार्च करके स्थिति का जायजा लिया। प्रयागराज में नगर पंचायत चुनाव को लेकर युवा नेता चंदन सिंह ने नामांकन किया। हंडिया का चुनाव सबसे टप माना जाता है। बता दें कि युवा नेता चंदन सिंह यादव ने निर्दलीय पर्चा दाखिल करके सबकी नींद उड़ा दी। वहीं संख्या में नगर पंचायत के लोग उपस्थित रहे। वहीं चंदन सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव असली समाजवादी और नकली समाजवादी का है। जनता सब जान रही है कि चुनाव सिर्फ पैसे से नहीं लड़ा जाता, जनता के बीच में विश्वास बहुत जरूरी होता है। बता दें कि इससे पहले चंदन सिंह यादव पिछले कई वर्षों से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। मैं ये निवेदन करती हूँ कि गांव की जितनी सुविधाएं हैं मैं सबको देना चाहती हूँ और जो भाई बाकी है मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। मेरे ससुर जी श्री गुलेनार पूजनी वो नेता थे, उन्हीं के आधार पे हम भी कुछ करना चाहते हैं। आपका नाम? जी श्रीमद सत्या देवी। मैदान में हम भी खड़े हैं। इस बार आपका मुख्य चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या है? चुनाव लड़ने का हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि मैं जितने चेयरमैन अभी देखे चाहे जिस दल का हो, कोई जो है जनता के मुताबिक जो है काम नहीं कर पाया, इसके वजह से मैं चुनाव लड़ने में मैदान में आया हूँ। आपकी जो चुनाव में कई तरह के लोगों की मांग है, सबसे प्रमुख मुद्दा है नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 का पानी का निकासी, तो क्या इस पर आप कितना फोर्स कर पाएंगे? ये हमारी जो रायबरेली में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इलियास ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जहां तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इलियास ने कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट वितरण में धांधली की गई, जिसको लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है।
देखिए, मैं पहले भी सर्वदलीय नेता था, इससे पूर्व भी। ये आपको मैं बता दूँ, समाजवादी पार्टी में नगर पालिका अध्यक्ष के जो टिकट के लेकर के जो नीति अपनाई गई है, उस नीति के मैं खिलाफ था और उस नीति से आहत होकर के मैंने समाजवादी पार्टी को त्याग किया। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद वेस्ट यूपी सहारनपुर में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। वहीं सहारनपुर के कई थाना क्षेत्रों में एसपी सिटी सीओ सड़कों पर निकले और भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं सभी अलग अलग थाना क्षेत्रों में थाना अध्यक्ष को भी फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इंटेलिजेंस और LIU की टीम बारीकी से सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है। सोशल मीडिया पर नेताओं की बयानबाजी और पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है और जनपद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। टीम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग विजिल पे है, आपको हर जगह पुलिस ही दिखेगी बाहर। कोई भी थाने में बैठने के लिए सबको मना कर दिया गया, सब फील्ड में रहेंगे, सब लोगों पे सख्त निगरानी रखेंगे और किसी भी टाइप की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो तुरंत एड्रेस कर दिया जाएगा। सर, चुनाव का जो नामांकन चल रहा है उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? जी हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नगर निगम इलेक्शन जो हमारे आए हुए हैं उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। कलेक्ट्रेट में आप जैसा देख रहे हैं पूरा तीन घेरे बना दिए गए हैं, कोई भी किसी तरह का आदमी जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए उस पर स्ट्रॉन्ग निगरानी रखी जा रही है, कोई भी किसी तरह की गलत हरकत ना यहाँ पे हो उसको भी देखते हुए पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम ने सेल्फी विद सफाई मित्र नाम से अभियान चलाया। वहीं सफाई मित्रों को सम्मान देने का एक अनूठा प्रयास किया गया। जिन सफाई मित्रों के कंधे पर शहर भर की स्वच्छता और सफाई की जिम्मेदारी रहती है, उनको शायद आज भी वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वह असली हकदार है। इसलिए नगर निगम ने सेल्फी विद सफाई मित्र नाम का कार्यक्रम चलाकर निगम अधिकारियों ने अपने सफाई मित्रों के साथ सेल्फी खिंचवाई और उनके मनोबल को बढ़ाया। मैं यहाँ सफाई मित्र की पोस्ट पे गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पोस्ट पे हूँ। अच्छा, आज एक कार्यक्रम चलाया गया सेल्फी। जी जी, सेल्फी भी सफाई मित्रा है ना जी। तो किस तरीके से कार्यक्रम को और क्या कहेंगे सर? ये हमारे आदरणीय नगर आयुक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी सर के मार्गदर्शन में जो ये सेल्फी भी सफाई मित्रा का कार्यक्रम हो रहा है, ये हम सभी सफाई मित्रों के लिए बहुत खुशी और हर्ष उत्साह का विषय है कि जो साहब निकल के आते हैं सुबह हम लोग के साथ, हमारे साथ सेल्फी लेते हैं, हमारे साथ बहुत बड़े राजनेता आते हैं वो भी हमारे साथ सेल्फी लेते हैं, जिससे हमें एक उत्साह मिलता है कि हमें अपने काम को और अच्छे से करना है। समय समय पे नगर निगम गाजियाबाद द्वारा हमें सम्मानित किया जाता है, हमारी सभी समस्याओं को नगर आयुक्त साहब सुनते हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब सुनते हैं और हमारी पूरी मांगे भी पूरी होती हैं। ये सेल्फी विद सफाई मित्र गाजियाबाद नगर निगम की का एक इनोवेटिव मेथड है, जिससे हम थैंक्स करना चाहते हैं अपने सभी सफाई मित्रों को। गाज़ियाबाद जिसकी पॉपुलेशन लगभग 25 लाख है म्यूनसिपल लिमिट्स की, उसको 4,500 सफाई मित्र सर्व करते हैं और प्रतिदिन का उनका ये रूटीन रहता है कि वो मॉर्निंग में भी सफाई करें, इवनिंग में भी सफाई करें। तो हमें कई बार ये लगता है कि दे आर पेड फॉर इट, कि उनको सैलरी मिलती तो है, तो हमें यही भावना एक आम जन के हृदय से दूर करनी है कि उनके एरिया को साफ करना केवल सफाई मित्र का उत्तरदायित्व नहीं है, हमारा भी है। इसमें जो हम लीस्ट कर सकते हैं वो ये कि उनको एक रिकॉग्निशन दें, उनका सम्मान करें। जैसे हमारा कोई मित्र या रिलेटिव आता है जिससे मिलके हमें अच्छा लगता है तो उसके साथ हम फ़ोटो खिंचवाते हैं या सेल्फी लेते हैं, तो उसी सेम भावना से जिन्होंने हमारे शहर को अच्छा किया है उन्हें सम्मान देते हुए, उन्हें अपना मित्र मानते हुए हम उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। और इसमें हमें अपने निगम के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, जनप्रतिनिधिगण जिसमें माननीय विधायकगण इत्यादि, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, सोसाइटी ओनर्स, अपार्टमेंट ओनर्स और उनके रेजिडेंट्स सभी का सहयोग मिल रहा है। और आपके माध्यम से मेरी अपेक्षा है कि सफाई मित्रों के सम्मान में हम इस कैंपेन का आगे भी प्रचार प्रसार करें। बहराइच में ईद त्योहार को देखते हुए नगर में साफ सफाई, कानून और शांति व्यवस्था का जायजा लिया गया, जिसको लेकर DM डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने नगर क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। नगर भ्रमण के दौरान DM और SP ने जहां एक ओर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
अतीक और असद के हत्याकांड पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि कानून के हथियारों की सुपुर्दगी से जब हत्या हुई तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था है। पहले विकास दुबे की हत्या हुई, फिर उनके बाद प्रदेश में उमेश पाल की हत्या हुई, अब यह अतीक अहमद की हत्या हुई है, तो आखिर पुलिस क्या कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ गया है, पुलिस का इकबाल कायम रखना चाहिए, पुलिस को किसी भी राजनीतिक दबाव में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए या किसी पर और दबाव में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रदेश में रहने वाले लोग का मनोबल टूटे। देखिए, जब कानून के हथियारों की सुपुर्दगी में हत्याएं हो जाएं, तो आप खुद अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह का कानून व्यवस्था है। इस पहले विकास दुबे की हत्या हुई, फिर इसके बाद ये उमेश पाल की हत्या हुई, अब ये अतीक अहमद की हत्या हुई, तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस यह के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। या अगर पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया तो भी देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। पुलिस को अपने इकबाल को कायम रखना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दबाव में या किसी भी और किसी दबाव में पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे पूरे प्रदेश के रहने वालों का मनोबल गिरे। शिक्षक जगत में नई क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई 20 लाख सहायता राशि से ग्रेटर फरीदाबाद में पहली रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इससे पहली रोबोटिक लैब का ग्रेटर फरीदाबाद स्थित SMS कॉन्वेंट स्कूल में उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है। इस रोबोटिक लैब के खुलने से शिक्षा के जगत में नई क्रांति आएगी। जो शिक्षा 12वीं कक्षा के बच्चों को मिलती थी, वो शिक्षा पहली क्लास के बच्चों को मिलेगी। SMS जो देहाती क्षेत्र में जो सपोर्ट है, दूसरी बात की है, और आज उन्होंने जो लैब का जो उद्घाटन किया है, कई राज्यों से पूर्व विधायक हमारे साथ एक किसान से हैं, और मैं फौजदार को बधाई दूंगा कि इस तरह के स्कूल जब देहात में खुलते हैं तो इससे बच्चों को हर क्षेत्र में बच्चे विकसित होते हैं और विकास के तरक्की में योगदान करते हैं। नाम भगवान सिंह फौजदार है। ये हमने अपने स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र में एक अटल टैंकर लैब का उद्घाटन कराया है माननीय मूलचंद हमारे कैबिनेट मंत्री जी से, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको ध्यान रखते हुए इस लैब का उद्घाटन कराया गया है। ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। क्या विशेषताएं हैं लैब की? इसकी ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। इसमें फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री जो बनाई जाती हैं उन सबसे हटके हैं। जो बच्चे आज से पहले कभी जो बीटेक वगैरह में सिखाया जाता था वो अब यहाँ स्टार्टिंग सिखाया जाए। स्टार्टिंग कौन सी क्लास से? फर्स्ट से सेकंड से। फर्स्ट सेकंड से बच्चे? हाँ। अम्बेडकर नगर में 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक बदमाश फरार होने में सफल रहा। पूरा मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का है। शातिर अभियुक्त के पास से 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया है और 2 जिंदा कारतूस, 1 कारतूस का खोखा, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। का नाम फरीद है और ये हमारे 307 के मुकदमे में वांछित अभियुक्त भी था। आज अपने के साथी के साथ ये जा रहा था, सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस को देखते ही इसने उन पर फायरिंग कर दी। अपने बचाव पुलिस ने फायर किया, इसमें उसको गोली लगी है और इसका एक साथी भाग गया, जिसकी उसको ढूंढवाया जा रहा है कहाँ पर है। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पर प्रयागराज के माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद
प्रदेश में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कई जगहों पर मुस्तैद है। वहीं थाना अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह और बिस्कोहर चौकी प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ थाना क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर है। शाहजहांपुर पहुंचे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि पुलिस की सुरक्षा में ऐसा होना नहीं चाहिए था। यूपी में कानून व्यवस्था के सवाल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरे तरीके से सरकार सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में अमन चैन कायम करने की पूरी कोशिश की है। बांदा में चार लोगों की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मामले की जानकारी होते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी की तलाश में जुट गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक का पारिवारिक विवाद उनके बेटे से चल रहा था, उसी पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुबह सूचना मिली कि ग्राम बड़ोखर बुज़ुर्ग जो कि थाना गिरवा क्षेत्र में लगता है, वहाँ एक घर में उस परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति चुन्नू कुशवाहा जिनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास की बताई जाती है, उनकी पत्नी, उनका पोता और उनकी भाभी, इन चारों लोगों की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पहुँचे। हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने डिटेल से सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया है। अभी जो एनालिसिस करके ये देखा गया है कि धारदार हथियार से इन लोगों की हत्या की गई है और घर में किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती घुसने का प्रयास नहीं किया गया है। गाजियाबाद में मामूली सी बात के लिए गोली चल गई। बात इतनी बढ़ी कि मारपीट हो गई। मारपीट में दो लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाल यह है कि यह घटना जहां हुई, घटना स्थल से थोड़ी दूर पर ही पुलिस रहती है और ये पॉश मार्केट भी है और कुछ दूरी पर ही पुलिस पिकेट है, तो फिर इस घटना को अंजाम देने वाले दबंग कैसे फरार हो गए। वहीं इस घटना से हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में अभी बिंदुओं पर जांच की बात कह रही है। इस संबंध में कुछ लड़के आए और जो शॉप पे दो लड़के थे उनको मारे पीटे हैं और जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि एक हवाई फायरिंग भी किए हैं। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही, आवश्यक विधिक कार्रवाई की। सर कितने लोग थे जो बताए गए हैं जिन्होंने आके मारपीट की? 10-12 लोग बताए प्रत्यक्षदर्शी। और सर पौश इलाका है ये गांधीनगर और सेंसिटिव चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो कैसे देखते हैं कि पुलिस क्या उस समय थी नहीं या मौके पे नहीं पहुंच पाई, क्या कारण मानते हैं? सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। सर चंद्र कदमों की दूरी पर ही पुलिस पिकेट लगी हुई है और जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि अतीक अहमद वाला बड़ा कांड हुआ है, उसके बावजूद इस तरह की सरे रहा। ठीक है फिर क्या वो उनने जूते का लेबल फाड़ा। ठीक है, लड़के ने बोला भैया क्यों फाड़ रहे हो, जितना बोलते ही वो बोले साले हम तुम्हें फाड़ देंगे। मेरा छोटा बेटा था और दुकान का सेल्समैन था, इतना कहने के बाद वो चले गए, थोड़ी सी बहस हुई चले गए। उसके बाद उन्होंने गाड़ी यहाँ खड़ी, यहाँ वहाँ खड़ी, तीन चार गाड़ी पूरी पट्टी चढ़ के आए, यहाँ से करते करते वहाँ से मारना चालू करा, करते करते वहाँ तक मारते हुए ले गए। 50 तो दुकानदार सब इकट्ठे थे, इन्होंने विरोध करा, जब उन्होंने गोली चलाई, गोली चला के वो लोग भागे। कितनी गोली चली होंगी? एक गोली चलाई। कौन लोग? उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।